देख रहे हैं पीएसटी न्यूज लाइव, हर सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूं आपके साथ में किया, एक नजर डालते हैं आज की खबर पे। अपनी मांगों को लेकर जनपद के शिक्षा मित्रों का जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। जनपद में शिक्षा मित्रों द्वारा जिला मुख्यालय के पास जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर दिनांक 16 सितंबर को धरना प्रदर्शन किया गया। शिक्षा मित्रों की मांग को लेकर सरकार द्वारा सिर्फ सांत्वना मिल रही है, ऐसा शिक्षा मित्रों का कहना है कि आज के कार्यक्रम में उमा देवी, जो शिक्षा मित्र एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपस्थित रहीं। उनके स्वागत में प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील सिंह व जिला अध्यक्ष उपेंद्र सिंह एवं प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य दिनेश चंद्र ओझा, प्रमोद मणि, विनोद मिश्रा व शिक्षा मित्रों द्वारा माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम के तहत उमा देवी ने अपनी आवाज में बोली कि ये मेरी प्यारे शिक्षा मित्रों, आप सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि आप मेरा साथ दीजिए। मैं जब तक सरकार से आप सभी की मांगों को पूरा नहीं करवा लूंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। आप भी शांत ना बैठें, हमें सामान्य वेतन लेना है। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी शिक्षा मित्रों की ताकत सरकार को दिखा देंगे। जैसे ही यह आवाज़ शिक्षा मित्रों के कानों में पड़ी, सभी शिक्षा मित्र अपने स्थान से खड़े होकर शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद का नारा दिया। कुशीनगर से हमारे संवाददाता प्रमोद पांडे की रिपोर्ट। ऐसे ही कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए डीएसटी न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।